फ्रेंड्स, वेलकम टू शेफ्स किचन। आज हम बनाने वाले हैं रागी का हलवा। इसे हम मिलेट स्वीट भी कहते हैं। रागी को इंग्लिश वर्ड मिलेट है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और क्विक और इजी रेसिपी है। इसे छोटे से बेबीज यानी जो पहला 6 से 7 महीने के बच्चे होते हैं उनको उनसे लेकर इवन दी यंग ओल्डर वन यानी 90 ईयर्स तक भी आप जो है खा सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है बहुत हेल्दी है, बहुत ही क्विक है और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन से भरा हुआ है रागी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले मैंने लिया है मिलेट रागी का पाउडर। मैंने इसे चटनी जार में ही अच्छे से पीस लिया है। इसे आपको बिल्कुल पीसने के बाद लेना है, इसको बिल्कुल छानना नहीं है। तो थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा। तो ये मैंने करीबन लिया है आधा कप, आप कह सकते हैं 100 से 150 ग्राम तक का है। ये 100 ग्राम का है ये। फिर हाँ, मैंने लिया है 150 ml मिल्क जो है, ये जो है बॉइल किया हुआ मिल्क है, ये 150 ml लिया है। और ये है गुड़। तो गुड़ करीबन मैंने एक छोटा कप लिया है। अच्छे से मैंने इसको जो है काट लिए है पीसेस में। तो और ये पानी, पानी जो है एक करीबन 1 से 1.5 ग्लास लगने वाला है। इट इज़ एज पर द रिक्वायरमेंट। आपको जैसे कुकिंग प्रोसेस में जैसे ज़रूरत पड़ेगी तब हमें ऐड करना है। तो और अगला इंग्रेडिएंट है घी। ये है देसी घी। मैं करीबन 1 से 2 चम्मच में लेने वाली हूँ इसे। ये छोटा चम्मच है तो ये कुकिंग प्रोसेस में हेल्पफुल रहेगा और हम इसे जो है बिल्कुल एंड में डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना रागी हलवा। सबसे पहले जो है हम आधा ग्लास पानी, और दूध, इसे हम जो है मीडियम आंच पे अच्छे से एक बॉईल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो चलिए इसे 1 मिनट तक पका लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हमने जो ये रागी का पाउडर लिया है उसमें हम जो है करीबन 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और हम जो है रागी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक मिक्स करना है और पानी ऐड करना है जब तक ये थोड़ा बहुत सेमी लिक्विड नहीं हो जाता है। ये करने का सबसे पहला रीज़न ये है कि हम जो है जब हम रागी हम इसमें डालेंगे तो ये लम्स में फॉर्म नहीं होगा। और दूसरा जो है कुकिंग प्रोसेस जो है इसे इस तरह आप अगर किसी भी इंग्रेडिएंट का पहले से ही साइड पे ये करते हैं तो इसमें कुकिंग प्रोसेस भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है रागी का। अदरवाइज़ रागी को पकने में करीबन जो है 15 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट। तो ये देख सकते हैं थिक बैटर के फॉर्म में मैं ये है कंसिस्टेंसी में लेके आई हूँ। तो अब हम जो है इसमें जी ऑलरेडी ये जो पानी और दूध उबल रहा है हम इसमें बिल्कुल हल्के से चम्मच हिलाते हुए ऐड कर देंगे। जैसे मैंने कहा ये बहुत ही सिंपल है और टेस्टी भी है। मैंने देखा है कि बच्चे बड़े होने के बाद जो है अवॉइड करते हैं ऐसे सब फूड, उन्हें जो है जंक फूड से दूर रखना है। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी और क्विक रेसिपी है ये, क्योंकि रागी पकने के बाद काफ़ी हद तक जो है चॉकलेट का टेस्ट देती है अगर आप उसमें गुड़ डाल के पकाते हैं तो। तो बच्चे तो पसंद करते ही हैं, प्लस बड़े चाव से खाते हैं और आपको जो है ऑर्डर मिलेगा कि मम्मा फिर से बनाओ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डाला तुरंत जो है रागी ने सारा जो लिक्विड है एब्जॉर्ब कर लिया। बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं लगी इसमें। तो इसलिए मैंने जैसे कहा था कि अब हम जो है इसे 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे और हम जो है जो बचा है पानी हम वो भी ऐड करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा लगता है, रागी जो है काफ़ी सारा लिक्विड एब्जॉर्ब करती है। इसलिए अगर आपने क्वांटिटी ज़रा देख के बनाइएगा। अगर आप जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, अगर आपने 1 कप लिया है रागी तो वो बिल्कुल पकने के बाद फूलकर 2 हो जाता है। तो बिल्कुल पहले से ही आपको मैंने ये बता दिया है ताकि जो है अननेसेसरी जो है ज़्यादा ना बन जाए। तो देखिए आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी इतना थिक हो चुका है। तो मैं जो है इसमें फिर से
पानी डालने वाली हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी तो रागी कुक होता नहीं है, नो डाउट वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पानी की रिक्वायरमेंट अगेन जैसे 1 से 1.5 ग्लास तक भी लग सकती हैं। तो टोटल हमने 150 ml पानी और सॉरी 150 ml मिल्क और प्लस हमने करीबन अभी तक 1 ग्लास पानी डाल दिया है। आंच को बिल्कुल धीमे ही रखना है, धीमी आंच पे मैं हाथ हिलाते हुए पका रही हूँ। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा आंच चलाना है, बाद में आपको नहीं ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए हम जो है इसे 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम आंच पे। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 2 मिनट से पक रहा है और मैंने फिर से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, करीबन 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें पानी ऐड किया है। हालांकि 2 मिनट से पक रहा है लेकिन स्मेल बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, बिल्कुल चॉकलेट का स्मेल, ऐसे लग रहा है जैसे घर में चॉकलेट कैंडी बना रहे हैं। और वैसे ये दिखता भी चॉकलेट की तरह ही है, इट्स ब्राउन, पर हमें और तब तक पकाना है जब तक ये जो है डार्क आपने डार्क चॉकलेट जो है उस कलर में ना आ जाए तब तक पकाना है। तो आँच को है धीमा करना है, सिम पे रखिए, हाथ बीच बीच में इसलिए हिलाना है, आप देख सकते हैं लंप एक भी फॉर्म नहीं हो रहा है, बीच बीच में जो है इसमें हाथ हिला रही हूँ। तो इसे हम फिर से करीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये करीबन 3 मिनट से मैं इसको हल्के हाथ में जो है हिलाते हुए और बिल्कुल सिम में रख के पका रही हूँ। मैंने करीबन और आधा ग्लास पानी इसमें ऐड कर लिया था, तो ये जो है अच्छे से पक रहा है। अब हम जो है इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सबसे पहले तो हम डालेंगे गुड़, ये मैंने बारीक काटा है गुड़ को, तो इसे आपको ज़्यादा लग रहा होगा, नहीं तो ये जो है 20 से 30 ग्राम भी नहीं है एक्चुअली। अब ये अगेन आपके टेस्ट बड्स के हिसाब से आप डाल सकते हैं, ज़्यादा मीठा चाहिए तो इससे ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं शक्कर अवॉइड करती हूँ। जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चों से लेके ओल्ड एज तक कोई भी खा सकता है, तो ये अपने आप जो है इसमें अपने आप में हेल्दी फॉर्म में बन जाता है, टेस्टी भी बनता है और ईजी भी होता है। और अगला इंग्रेडिएंट है घी, ये घी जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप छोटे बेबीज़ के लिए 6 मंथ ओल्ड या 7 मंथ्स जो पहला अभी जस्ट शुरू किया है खाना, तो ये आप सेरेलैक की जगह पर भी खिला सकते हैं, बिल्कुल टेस्टी ऑप्शन है। तो आप उस टाइम पे घी जो है बिल्कुल या तो स्किप कर सकते हैं या तो फिर आप जो है बहुत ही स्लाइट डाल सकते हैं। तो बेबीज़ के लिए एक्चुअली घी ना ही डाले तो बेटर रहेगा, स्किप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दीएस्ट ऑप्शन है, जब आपका बेबी जो है खाना शुरू करें तो आप उसके खाने में आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, कैल्शियम है इसमें ढेर सारा, बोन्स जो है बच्चों का काफ़ी हेल्दी बनाता है। जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स, स्मेल बहुत ही खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में, तो अभी से पानी आ रहा है। बट जैसे ये तब तक हम पकाएंगे जैसे मैंने कहा जब तक ये थोड़ा बहुत डार्क ब्राउन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा हाँ बन गया है। जब हमने जो घी डाला है वो साइड पे जो है कढ़ाई से निकल के साइड पे आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं कढ़ाई में जो है इसको पकाते हैं, करीबन फिर से हम जो है इसको 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल स्लो आँच पर रखकर बिल्कुल सिम में रखकर पकाना है, ठीक है। तो चलिए इसे पकाते हैं 3 मिनट तक। ये देखिए काफ़ी हद तक जो है पक चुका है, कलर जो है चेंज हो चुका है, लेकिन हमें जैसे मैंने कहा कि इसे हम और देर तब तक पकाएंगे जब तक जो है ये कढ़ाई छोड़ने न लगे और जो हमने घी डाला है वो साइड पे ना आ जाए। अभी मैं आपको क्विक और इजी टिप ये देना चाहूँगी कि अगर आप जो है बेबीज़ को खिला रहे हो तो पकने के बाद भी जैसे कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है, लेकिन जैसे अगर आप खिलाते हैं तो उसमें बिल्कुल दूध है या लिक्विड है, किसी भी तरह का लिक्विड है, आप इवन जो है आप मूंग का जो पानी होता है वो भी मिलाकर इसी में मिलाकर क्या पिला सकते हैं, बिल्कुल प्लेन मूंग का पानी जो फ्रेश हरा मूंग रहता है जब हम उसे बॉईल करते हैं, तो उसके बॉईल करने के बाद जो ऊपर पानी रहता है लिक्विड रहता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट एक क्विक इजी टिप था फॉर दी न्यू मदर्स, सो दैट कि उनके बेबीज को भी जो है प्रोटीन और कैल्शियम और सारे मिनरल्स मिलते रहें। तो चलिए इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं फिर से 3 से 4 मिनट, यानी तब तक पकाना है जैसे मैंने कहा जब तक कि ये जो है पूरा थिक नहीं हो जाता है और कढ़ाई जो है वो कढ़ाई से चिपकना वो छोड़ देता है। तो चलिए पकाते हैं। देखिए ये जो है पक चुका है, जैसे मैंने कहा था कि घी जो है बिल्कुल निकल कर साइड पे आने लगेगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए
आई होप आप देख सकते हैं, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये घी, घी का पोर्शन जो है वो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, घी जो है साइड पे आ चुका है, तो इसे हम तब तक पकाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है, देखिए। आप अगर ऐसे चम्मच हिलाते हैं तो वो कढ़ाई से बिल्कुल बिल्कुल जो है साफ हो जाता है, चिपकता नहीं है, ये देख सकते हैं आप। तो इस लाइक एक बॉल की तरह जो है वो फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पक चुका है। तो ऐसे करीब हम और हम जो है 30 सेकेंड के लिए हम जो है पका लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, तैयार है रागी का हलवा। बहुत ही सिंपल, क्विक, इजी रेसिपी है। जैसे मैंने टिप दिया था छोटे बच्चों के लिए, इवन ये फीडिंग मदर्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो ठंडी के सीज़न में तो बहुत ही जो है इसके गुण जो है काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, बनाइए, टेस्ट कीजिए, अपने घर पे बनाइए, और मुझे ज़रूर बताइए कि कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। कोई कमेंट्स, क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी क्विक, इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।